काशीपुर में दशहरा का पर्व परंपरागत तरीके के साथ मनाया गया। आतिशबाजी के साथ रावण का दहन किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों के लिए पुख्ता इंतजाम किए। काशीपुर में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम व बड़ी शांति के साथ मनाया गया। अधर्म पर धर्म की जीत को लेकर श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय हासिल की थी। काशीपुर रामलीला मैदान में आतिशबाजी के साथ रावण और उनके पुत्र मेघनाथ का पुतला दहन किया गया। इस नजारे को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। इस दौरान व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतिरूप में अभी आप अपने पीछे देख पा रहे होंगे रावण दहन के चरण बजाय करीब 20,000 से बहुत लोग यहाँ हमला ग्राउंड आ गए, तो इसके लिए हमारे द्वारा ये पूरी बैरिकेडिंग करवाई गई थी और इसके आगे और पीछे हमारे द्वारा पुलिस और पीएससी का पूरा यूज किया गया था कि जिससे पब्लिक आदमी निकल ना पाए। शहर के ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमने चौक से लेकर चीमा चौक से लेकर पूरे ट्रैफिक को यहाँ डाइवर्ट करा हुआ है। मेरे आप लोगों से अनुरोध है कि इसी प्रकार जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कोई भी आदमी बुरा ना करे, क्योंकि बुराई का यही होता है मतलब बुराई जल्दी ही है। तो आप सब लोगों ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मेला लगता है रामला ग्राउंड के सामने और ये शंकर मेडिकल शॉप से लेके चीमा टाउन, तो उसके उसके परिप्रेक्ष्य में जो ज़्यादा भीड़ होती है, तो हमने जो रूट डाइवर्ट कर रखा है, एक तो जो बस है वो हमने टांडा तिराहे से पाया टाडा चौक शुगर मिल कैसी तरह होते हुए यहाँ चीमा चौक आएंगे, और जो स्टेडियम से है बस है वो बानपुर रोड होते हुए जाएंगे। और उसी तरह छोटी गाड़ियों के लिए हमने एमपी चौक पे बंद कर दिया गया है बैनर लगा के, ताकि कोई भी किसी भी लोगों को कोई दिक्कत ना हो और छोटी किसी को भी भीड़ में मतलब गाड़ी से किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने यहाँ से गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया है। और वहाँ से सीमा चौक से भी हमने नीचे रामला ग्राउंड की तरफ को सड़क ट्रैफिक रोक दिया गया है और उसको कटौताल और पाया कैसी तरह से भेजा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।